ये मेहनत की कमाई। पुराने समय की बात है, एक गांव में मंगू नाम का एक किसान रहता था। वो बड़ा मेहनती था और सुबह होते ही वह अपने बैलों को खेतों में ले जाता और अपने काम में लग जाता। एक दिन जब मंगू अपने खेत में काम कर रहा था तो इस इलाके के राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उसके खेत के पास से गुजर रहे हैं। गुजर रहे थे तभी अचानक मंगू को लगा जैसे घोड़े से कोई चमकती चीज नीचे गिरी। मंगू ने तुरंत जाकर देखा तो राजा का हीरो का हार था जो उनके गले से गिर गया था। महाराज महाराज, मंगू ने जोर जोर से कई बार आवाज़ें लगाई लेकिन राजा दूर निकल चुके थे। मंगू ने हार उठाया और पास के एक पेड़ की टहनी पर लटका दिया। शाम को अपना काम खत्म करने के बाद उसने हार को टहनी से उतारा और राजा के महल चला गया। मुझे महाराज से मिलना है, मेरे पास उनकी एक कीमती वस्तु है, मंगू ने द्वारपाल से बोला। राजा का आदेश पाकर द्वारपाल ने मंगू को अंदर भेजा। हजूर, आज सुबह जब आप अपने घोड़े पर तेज रफ्तार से मेरे खेत के पास से गुजर रहे थे तभी आपका यह हार वहाँ गिर गया था। ये लीजिए, मंगू ने हार सौंपते हुए कहा। मंगू, तुम्हारी ईमानदारी ने तो मुझे प्रसन्न कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या इनाम दूँ। यह हार मेरे लिए अमूल्य है। एक पड़ोसी मित्र राजा ने मुझे यह हार भेंट किया था। राजा बोले। मंगू नम्रता से बोला, महाराज मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं है। आपकी वस्तु आपके पास आ गई, मुझे इस बात की खुशी है। मुझे अब आज्ञा दीजिए। राजा ने सिंहासन से उठकर उसके कंधे पर बड़े प्यार से हाथ रखा और हम हंसकर बोले, भला तुम्हारे जैसा ईमानदार व्यक्ति का मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। आज से तुम मेरे महल में आरामदायक जीवन जियोगे। अब तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब मंगू राजा के महल में रहने लगा। 15 दिन रहने के बाद मंगू ने राजा से कहा, हजूर मैं अपने परिवार से मिलना जाना चाहता हूँ। क्यों नहीं, अवश्य जाओ, राजा बोले। मंगू आज्ञा लेकर अपने घर आ गया। कई दिन गुजर गए लेकिन मंगू महल में वापस ना लौटा। मंगू को लाने के लिए राजा ने सिपाही भेजे। सिपाहियों ने जाकर देखा, मंगू अपने खेत में काम करने में मग्न था। सिपाही उसे राजा के पास ले आए। मंगू, तुम अपने परिवार से मिलने गए थे लेकिन तुम वापस क्यों नहीं लौटे, राजा ने बड़ी हैरान से पूछा। मंगू हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज मैं आपका एहसान मंद हूँ कि आपने मुझे अपने महल में ठाट बाट से रहने का सुख दिया, लेकिन हजूर अपने खेत में मेहनत करके जो सुख मुझे मिलता है वह महल में निठल्ला रहकर नहीं मिला। ऐसे तो मेरा शरीर कमज़ोर और नकारा हो जाएगा, इसलिए मुझे आप क्षमा करें। मंगू की यह बात सुनते ही राजा बोले, शाबाश मंगू, मुझे तुम पर गर्व है लेकिन अब तुम्हें मेरे एक आदेश जरूर मानना पड़ेगा। आज्ञा कीजिए सरकार, मंगू ने हाथ जोड़ते हुए कहा। इस तोहफे को लेने से मना मत करना वरना मेरा दिल टूट जाएगा। ये कहते हुए राजा ने अपने हाथ में पहना एक कीमती मगंगन उतार कर उसके हाथ में पहना दिया। मंगू खुशी खुशी विदा लेकर अपने घर वापस आ गया। तो इससे क्या संदेश मिला, मेहनत करके जो सुख मिलता है वो निठल्ला रहकर नहीं मिलता है। यह इस जो मेहनती व्यक्ति ने राजा को एक बात बताई या सीख दी। तो ये कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो मेहनत नहीं करते हैं और उन्हें मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना चाहिए और उससे ही खुशी मिलेगी।